सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसी देख रहे हो, मैं हाँ थोड़े नाल परमवीर सिंह औलख ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल जो कि बठिंडा तो सामने आ रही है। बठिंडा गुरुद्वारे दे ग्रंथी ते जो इल्जाम लगे सीगे गंभीर नाबालग बच्ची नाल छेड़छाड़ दे इल्जाम लगे ने, तुहानू दस दईए कि स्थानक लोगों ने ग्रंथी नू गुरुद्वारे च बन के ही कुटिया। बठिंडा दे आनंदगढ़ कोटड़ा दा मामला दस्या जा रहा है, पुलिस ने मुलजम ग्रंथी खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। गुरुद्वारे दे ग्रंथी ते एक लड़की नाल छेड़छाड़ दे इल्जाम लगे ने, बच्ची दे नाल छेड़छाड़ दे इल्जाम लगे ने ते बठिंडा दे यह घटना दसी जा रही है। बठिंडा दे आनंदगढ़ कोटड़ा जो पिंड है उसकी यह घटना दसी जा रही है। ग्रंथी नूं बन्निया गया है ते उस नाल कुटमार की गई है। इस वेले दी वड्डी खबर दा रुख कर रहे हां बठिंडा तो। बठिंडा के आनंदगढ़ जो कोटड़ा पिंड है उस विच ग्रंथी सिंह है जो गुरु की बाणी का पाठ करता है उस वालों इस हरकत को अंजाम दिता गया है। हालांकि उसकी मंशा की सी, लोगों वालों उसकी खंभे ना बन के मारकुट की जा रही है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुँच गई है तो पुलिस ने परिवारक मैंबर के बयान के आधार पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। तुसी देख सकते हो कि खंभे नाल उसनू जो पिलर है उस नाल बन्या गया है। हालांकि उसकी मंशा की सी, इस पिछे पुलिस जांच जुटी हुई है कि आखिर क्यों अजे ही हरकत नू अंजाम दिता गया। पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची है तो गलबात का सिलसिला जारी है तो मुलजम नू हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची ते छेड़छाड़ दे इल्जाम लगे ने, गुरुद्वारा साहिब दे ग्रंथी ते बच्ची नाल छेड़छाड़ दे इल्जाम लगे ने, तां पुलिस मौके ते पहुंची है। स्थानक लोगों वालों जो पिंड के लोग ने उन्हां वालों ग्रंथी की कुटमार की जा रही है। हालांकि कई इल्जाम भी पहला भी लग चुके ने ग्रंथी के उत्ते। देवानंद साढ़े पत्रकार साढ़े नाल जुड़ चुके ने। जी देवानंद, खबर सामने आई है इल्जाम लगे ने ग्रंथी सिंह के उत्ते जिथे कि लोग जो है शांति मंगन जाते ने, मन शांत करन जाते ने गुरु घर के विच, ते अजिहे एक ग्रंथी सिंह वालों अजिहा कारा करना बहुत ही शर्मनाक है। हालांकि इल्जाम ने की कहना है लोगों का, पुलिस की कह रही है इस विच। बहुत मंदभागी घटना क्योंकि लोग उसे गुरुद्वारे मत्था टेक जाते हैं, लेकिन असी वीडियो च देखा कि लोग है जेड़े उन्होंने बन के कुट रहे हैं क्योंकि एक छोटी बच्ची उस नाल छेड़छाड़ दी। एक मंदभागी घटना सामने आई है, लेकिन उसे लोगों को भी कानून अपने हाथ च नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह काम रही सारी पुलिस प्रशासन करना चाहिए। लेकिन देखा कि पुलिस प्रशासन भी मौके से पहुंच गया क्योंकि लोगों को बुलाया गया। तो उस तो बाद बालियावाली थाने बठिंडा के बालियावाली थाने उसे परचा दर्ज किया गया, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दस दई कि बहुत मंदभागी घटना है क्योंकि एक ग्रंथी सिंह वालों एक लड़की नाल छेड़छाड़ करनी बहुत मंदभागी घटना, तो लोगों ने भी इस गल का बहुत ज्यादा पिंड वाले विरोध किया। जी मैडम जी देवानंद, जेकर गल की जाए कदों की घटना दसी जा रही है तो हालांकि इल्जाम लगे ने, इल्जाम किन्हां वालों लगाए गए ने, परिवार वालों लगाए गए ने कि बच्ची वालों लगाए गए ने, किने दस्या है किस तरह यह वाकया पूरा किस तरह होया? बिल्कुल पर दस दी क्योंकि बच्ची है जी परिवार ने दसा तो परिवार वाले आके परिवार वाले भी आए, उस बाद पिंड वाले लोग भी है वो साफ वीडियो देखा। कल शाम देर शाम की घटना है तो उस बाद वीडियो बनाई गई क्योंकि ग्रंथी सिंह उत्थे बन के गुरुद्वारे जी उसे कुटमार भी हुई, उस तो बाद पुलिस को बुलाया गया क्योंकि बच्ची उसे गुरुद्वारा गई थी। बच्ची दस मुताबिक उसे क्योंकि लोग खड़े से दस रहे थी कि बच्ची ने किसी दसा भी इस तरह मेरे ग्रंथी सिंह ने जी ने मैंने बहुत ज्यादा जी की माड़े ढंग में छेड़छाड़ की है। तो उस बाद ही लोगों ने जेडे जजबात को जाके ग्रंथी सिंह कुटमार की, उसे एक काली पिंदर बन के कुटमार करने के बाद पुलिस को पकड़ा दिता गया। जी बिल्कुल देवानंद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंदभागी घटना है, तुम अहम जानकारी दी। सो दर्शकों दस दिए कि बठिंडा के आनंदगढ़ कोटड़ा की यह घटना दसी जा रही है जिथे ग्रंथी सिंह ते छेड़छाड़ के बच्ची नाल इल्जाम लगे ने।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5421 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ 201 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 7363 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 5,33,973 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 61,203 ਹੈ लगातार अंकड़ों के जिथे इजाफा होंदा जा रहा है उत्थे कितें ना कितें घटती भी जा रही है गिनती जो है वह घटती जा रही है मौतों का सिलसिला पर उन्हां दा ज्यों दा त्यों ही है 201 मौतों ने ज़िले के हालात जान लैने लुधियाना 582 मामले ने बठिंडा 411 जलंधर 445 SS नगर 555 फाजिलका 240 ते श्री मुक्तसर साहब 305 श्री अमृतसर 400 मामले सामने आए ने पटियाला 363 मामले सामने आए जेकर गल की जाए लुधियाना की तो बरनला की की जाए तो 66 मामले ने रोपड़ 98 SBS नगर के 56 मामले ने 111 ने फतेहगढ़ साहब तरन तारण 83 मोगा 106 पटियाला 363 मामले बरनला 66 मामले ने रोपड़ 98 ते मानसा 182 मामले हम दस दिए कि मामले लगातार घटते जा रहे हैं जिथे एक पासे वाधा किया गया है वाधा हो रहा सीगा लगातार पिछले 2-3 महीनों तो पर हुण कितें ना कितें जो मामले ने वो घटते जा रहे हैं जेकर सूबियां दे विच जिलियां दी गल की जाए हालांकि वक् वक् सूबों के अजिहे मामले ने पर जेकर जिले की गल की जाए तो पंजाब के जिले के सो इस वधेरे जानकारी लई साढ़े पत्रकार साथ नाल जुड़ चुके ने बजम जुड़ चुके ने मोहाली तो भरत जुड़ चुके ने लुधियाना तो सब तो पहलों बजम का रुख करांगे बजम सब तो वड्डा सवाल लॉकडाउन का लॉकडाउन है वीकेंड लॉकडाउन तो कितें ना कितें असी देख रहे हैं ग्राफ भी घटता नज़र आ रहा है हालांकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों जो ठीकरी पैरियां की गल की गई है लोगों को सुचेत रहने की गल की गई है उधर वैक्सीनेशन भी हो रही है की लगता है इन कारण करके ही कितें ना कितें ग्राफ घटता आंदा दिखाई दे रहा जो लोग ने वो भी जागरूक हो रहे हैं बिल्कुल देखो लोग तो जागरूक हो ही रहे हैं पर ये कई सारी जिहड़ियां वो एंगल्स देखे जा सकते हैं कई सारे पॉइंट देखे जा सकते हैं जे सब तो पहले गल करिए जिहड़ी शुरुआत की गई वो टैसटिंग तो की गई टैसटिंग जिनी ज़्यादा वधाई गई उन्ने ज़्यादा जिहड़े एक्टिव केसिस सामने आए पर हुण ये देखा जा रहा है कि टैसटिंग जिस तरीके वधाई जा रही है एक्टिव केसिस घटते जा रहे हैं पिछले 2-3 दिनों की जो गल करिए जिस तरीके पिछले 2-3 महीनों केसिस वध रहे थे 2-3 दिनों केसिस जिहड़े ने वो घटते जा रहे हैं दूजे पासे जे गल करिए रिकवरी रेट की रिकवरी रेट भी जिहड़ा है वो वधना शुरू हो गया तुहानू दस दिए जे पंजाब की गल करिए 24 घंटिया 5,421 केस इहो जिहे ने जिहड़े रिकवरी केसिस ने एक पॉजिटिव केसिस नहीं बल्कि नैगेटिव हो चुके ने वो लोग ने जिहड़े ठीक हो चुके ने तो इस तरीके एक तो पॉजिटिव जिहड़े लोग ने वो घट मिल रहे ने हुण पर नाल दे नाल रिकवरी ज़्यादा हो रही है तो एक बैलेंसिंग सिचुएशन जिहड़ी है वो की जा सकती है क्योंकि हुण करोना का ग्राफ जिहड़ा है वो डिगना शुरू हो गया पर ये कोई ये नहीं कि कोई बहुत वधिया चीज़ है हजे तीसरा जोड़ा एक वेव है वह भी आनी वो भी तैयार रहना पड़ेगा लोगों को इस चीज़ को भी समझने की लड़ है क्योंकि केंद्र सरकार बैठक कर चुकी है वो कह चुकी है कि वी हैव टू गेट रेडी फॉर द थर्ड वेव एज वैल तो तीजी जी लहर है वो भी तैयार रहना पड़ेगा वो जोड़ा है पहले ही प्रीकॉशन बरतने पैने हैं पर नाल दे नाल तुहानू दस दिए कि हजे तक जोड़ा है कैजुअलिटीज किसी तरीके का जोड़ा है इजाफा नहीं होया अजे भी कैजुअलिटीज जोड़ी वध रही ने 24 घंटे च पंजाब 193 कैजुअलिटीज 193 लोगों की जी कोरोना करके मौत हो चुकी है यद भी जो ग्राफ है वो घटना चाहिए वो भी सरकार को जो है वो कोशिश करनी पड़ेगी कि बजम पर एक चीज इतने देखने को मिली है कि असी जेकर मौतों की गल करिए मौतों का सिलसिला लगातार जारी है जेकर राजिंद्रा हस्पताल पटियाले की गल करते हैं तो रोज़ 25-30 मौतें उत्थे हो रही ने जेकर पूरे ग्राफ की गल करते हैं पंजाब की तो 200 के करीब तुम देख सकते हो कि नेड़-तेड़ इस दे मौतें हो रही ने की लगता है कि हस्पतालों के कमी है या प्रशासन के कमी है या डॉक्टरों के कमी है देखो ना प्रशासन च कमी है ना डॉक्टर च कमी है बल्कि पंजाब सरकार जी गल करिए इस महामारी के दौर पर
कई जिहड़ी सरकार दे हत्थ खड़े हो जांदे ने, जिवें बाहर प्रदेशां दे हत्थ खड़े हो गए, पंजाब सरकार की गल करिए, होर भारत सरकार की गल करिए, हत्थ नहीं खड़े, अज भी जिहड़े उह काम कर रही है। जे राजेंद्रा होस्पिटल की गल करिए, उत्थे लैवल 3 स्पैशली जिहड़ा एक वार्ड बनाया गया, जिथे लैवल 3 ते पेशेंट्स रखे जांदे ने, ते लैवल 3 जिहड़े उह सब तो ज़्यादा रिस्क दे होंदे, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स इहो जिहे होंदे ने जिहड़े वेंटीलेटर ते पए होंदे ने, तां उस नूं देखदे हुए कई सारियां मौतां जिहड़ियां ने उत्थे होईयां ने। पर नाल दे नाल इह वी दस दी कि आर्मी होस्पिटल जिस तरीके नाल राजेंद्रा होस्पिटल च बनाया गया, कुछ स्पैशल कोविड वार्ड बनाया गया लैवल 3 दे लोगों को रखने लिए, उत्थे जिहड़े उह इलाज उत्थे चल रहे हैं, तो इह चीज़ां नूं देखदे हुए जिहड़ा है उह ते कितने ना कितने कैजुअलिटी रेट जिहड़ा है उह वधिया, पर रिकवरी रेट हुण वध रहा है। हुण फोकस पंजाब सरकार दा इस ते होना चाहिए कि जिहड़े लैवल 3 दे पेशेंट्स ने उन्हां दी जान किस तरीके नाल बचाई जाए, उन्हां नूं किस तरीके नाल जिहड़ा है उह ठीक किया जाए। पर नाल दे नाल होर वी दस देने आ, 5,566 जिहड़े ने एक दिन च नए मामले भी सामने आए ने, ते हजे भी जद तक मामले जिहड़े उह सामने आंदे रहणगे, ये सोचण दी लोड़ है कि हजे भी बचाव जिहड़ा है उह बहुत जरूरी है। पर नाल दे नाल जिहड़ी तीजी लहर है उहदी भी तैयारी जिहड़ी है उह करनी पएगी, पर लोकां नूं भी जागरूक होना पएगा। पंजाब सरकार ने यह भी कहता कि ठीकरी जिहड़ा पहरा है वह पिंडां 'च देना जरूरी है, क्योंकि जे पिंडां 'च वायरस आ गया तो निकलना बहुत औखा है, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जिहड़ियां ने हो सकदियां, क्योंकि जागरूकता जिहड़ी है वह शहरां दे इलाके 'च बहुत ज़्यादा की गई है, पर पिंडां 'च किन्नी की गई है उस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। इस करके जिन्ना ज़्यादा बचाव है उन्ना ज़्यादा जिहड़ा है ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਰਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਭਰਤ, ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਿੰਗ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਨਸੈਸ਼ਨਲ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ 14,485 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 582 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਲਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਕੇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਹ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ 582 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 15,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਤਕਰੀਬਨ 9,000 ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 20-22 ਮੌਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ 17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ 3 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਆ ਉਹ ਲਓ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅੱਗੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ 3 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ 17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਖ਼ਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਟੀਚਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਭਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਸਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
इस तो नजिठण दे रही पंजाब सरकार वालों एक कदम चुकया गया सीगा। तुहानू दस दईए पंजाब दे सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू वालों एक स्टेटमेंट दी गई सी जिहदे विच कहा गया सीगा कि तमाम जिहड़े निजी हस्पताल ने उन्हां दे बाहर कोविड के इलाज की एक लिस्ट जिहड़ी की है वो डिस्प्ले की जाऊगी जिहड़ी की सरकार वालों कंट्रोल्ड होएगी। सरकार नाल डिसाइडेड ये रेट्स होणगे। तां जी मीडिया की टीम अज रियालिटी चैक करन लई पहुँच चुकी है मोहाली दे मैक्स हस्पताल दे बाहर। तुसीं वेख सकदे हो इत्थे किसी भी तरीके की कोई रेट लिस्ट कोविड के इलाज की नहीं लाई गई, कितने भी कोई यहोजी होर्डिंग कितने भी कोई यहोजा कोई बैनर नहीं नज़र आ रहा जिदे उत्ते कोई आम व्यक्ति इत्थे पहुँचता है मध्यम वर्ग का कोई इत्थे व्यक्ति पहुँचता तो उहदे लई रेट लिस्ट इत्थे डिस्प्लेड होवे जिस तो बाद व्यक्ति डिसाइड कर सके कि वह इत्थे इलाज करवा भी सकता है या नहीं, क्योंकि कंट्रोल रेट्स ने। लेकिन काफ़ी यहोजे लोग ने मध्यम वर्ग के जिहड़े कि निजी हस्पतालों का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये कंट्रोल रेट्स की लिस्ट जिहड़ी कि इत्थे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। हालांकि मनमानी के केस काफ़ी ज़्यादा सामने आए थे जो लोगों वालों कहा गया कि इलाज करवाने के लिए निजी हस्पतालों के गए तो सही, लेकिन लंबे चौड़े बिल उन्होंने थमा दिते गए। लेकिन इत्थे जिस तरीके का कदम एक पंजाब सरकार वालों चुकया गया सीगा उहदा असर इन निजी हस्पतालों के बाहर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा मोहाली दे विच, क्योंकि इहदे विच पहला तो हस्पताल प्रशासन वालों जिहड़ी कि अणगहली की जा रही है, हस्पताल प्रशासन वालों इस चीज़ को लैके ढिल बरती जा रही है, तो दूजे पासे मोहाली प्रशासन वालों भी जिहड़ा कि कोई सख्ती नहीं बरती जा रही। कैमरामैन धर्मवीर दे नाल अनमोल गुलाटी जी मीडिया मोहाली। तो गल करांगे चंडीगढ़ दी मॉडल जेल च 25 कैदी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। इस तो पहला भी 3 महिलावां सने 33 कैदी जो ने पॉजिटिव पाए गए सन। कैदियों के पॉजिटिविटी आने तो बाद हरकत च प्रशासन आ चुका है ते एससी दे हुक्म अनुसार 400 कैदियों नू पैरोल देन दा फैसला लिया गया। जेल प्रशासन ने पैरोल छड्डे ते जाण तक कैदियों की लिस्ट भी जो है वह तैयार कर ली है। तो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का असर देखने मिलया है। सरहदी पिंड कालूवाल च पहुंचेगी डॉक्टरों की टीम। कोरोना काल च कोई नहीं लै रहा सी पिंड की सार, बुनियादी सहूलतों तो भी वांझा है सरहदी पिंड। खबर नशर होने तो बाद हरकत च प्रशासन आया तो अज डॉक्टरों की टीम नू भेजन दा जो हुक्म ने वो जारी कर दिए गए ने। नाल दी नाल स्थानक विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो मैगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तो 11 क्रायोजेनिक टैंक इंपोर्ट कर रहा है जो हस्पतालों मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने मदद करेगा। इस कंपनी वालों ये सहूलत जो ने तेलंगाना मुफ्त में दी जा रही ने। तिना टैंकों का पहला बैच हैदराबाद के जो है एयरफोर्स स्टेशन से उतरिया है, बाकी 8 टैंक अगले कुछ दिनों पहुँचने। कंपनी मुताबक एक क्रायोटैक जैनिक टैंक नाल 1.40 करोड़ लीटर जो मेडिकल ऑक्सीजन है वह आती है, यानी कि 11 टैंकों च 15.40 करोड़ लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। अंडर दिस स्कीम ऑफकोर्स इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम एनी रिक्वायरमेंट टू द सोसाइटी वी आर इन द फोर फ्रंट टू डू द नेसेसरी थिंग्स टू द बेनिफिट ऑफ द पीपल एंड थ्रू आउट द पैन इंडिया लेवल। For instance, now in we are at Hyderabad now, we are importing 11 numbers of cryogenic oxygen transport cylinders, where you are aware of that there is a abundant oxygen available in the industries in overall in India, but unfortunately many people are being died only the lack of the oxygen availability at the hospitals. See, we'll continue to do whatever is required. We are involved already in moving the oxygen cylinders, oxygen tankers, the distribution of international aid, the sorties which are, and almost all transport platforms are engaged at the moment in this fight against COVID. ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਡੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ CMO ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਸੁੰਦਰ ਵਧੀਆ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰਾ ਨੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਰਾਮ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਵਿਡ ਕੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟੋ ਕੋ ਕਾਫੀ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਇਨਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਯੂਜ ਆਫ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੁਆ ਹੈ ਤੋ ਉਸਮੇ ਯੇ ਮਿਊਕਰ ਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇਖਣੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 35 ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਸੇ 24 ਕੇਸਿਸ ਹਮਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ 11 ਕੇਸਿਸ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗਾ ਹਾਲ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ 2017 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਈ ਕਾਂਗਰਸ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਧੀਮਾਨ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ। ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।